हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविनी। वेलकम टू माय चैनल एट द कुकिंग हाउस। होली के पावन अवसर पे आपके लिए मैं आलमंड एंड पिस्ता की श्रीखंड की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं बहुत ही बढ़िया बना के रेडी करने वाले हूँ। आप मेरा ये वीडियो पूरा देखना, जिससे आपको मेरा स्टेप बाय स्टेप श्रीखंड बनाने का जो आइडिया है, मेरा तरीका है, वो आपको पता चले और आप भी ऐसे ही बढ़िया बना के रेडी कर सको। तो आइए हम ये रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। तो आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम ये डिलीशियस रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया था। 2 लीटर दूध में मैंने 1 चम्मच बड़ा वाला चम्मच भर के मैंने इसमें कर्ड ऐड कर दिया था और उसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए साइड पे रख लिया था। अभी हमारा ये कर्ड बन के रेडी हो गया है। हमारा इतना अच्छा कर्ड बन के रेडी हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखो, हमारा बहुत ही अच्छा ये कर्ड बन के रेडी हुआ है। ये कर्ड बन जाने के बाद इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था और अभी मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। कर्ड में से मस्का बनाने के लिए मैंने ये एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में मैं ये जाली वाला बर्तन रख देती हूँ, उसके अंदर ही जाली वाला बर्तन के ऊपर मैं ये पतला वाला कपड़ा ले लेती हूँ। अभी ये मैं कर्ड को इसके अंदर ऐड करके इसमें से पानी निकाल लेती हूँ। ये कपड़े के ऊपर अभी मैं ये सब कर्ड निकाल लेती हूँ और हमारा इसमें से पानी निकल जाएगा। मैंने ये कपड़े में पूरा कर्ड निकाल लिया है। तभी ये कपड़े को मैं ऐसे हम सब कपड़ा इकट्ठा कर लेंगे। तो देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारा ये बहुत ही पानी निकल रहा है। ऐसे ही मैं सब पानी इसमें से निकल जाने दूंगी, तब तक इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। तो उसको पहले थोड़ा प्रेस करके ज़्यादा वाला पानी निकाल लेती हूँ। देखो, हमारा नीचे भी ये कितना सारा पानी निकल रहा है। ऐसे ही मैं सब पानी इसमें से निकाल लूँगी। अभी इसमें से सब पानी अच्छी तरह से निकल जाए, इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा वेट रख लेती हूँ। आप इसके ऊपर कुछ भी वेट रख सकते हो। मैं इधर एक पतीली में पूरी पतीली भर के पानी ले लिया है, उसके ऊपर मैंने वो वेट रख लिया है। जितना ज़्यादा वेट हम ये कर्ड के ऊपर रखेंगे, उतना जल्दी हमारा इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो निकलने वाला है वो निकाल के रेडी हो जाएगा। ऐसे ही वेट रख के मैं उसको 1 से 2 घंटे के लिए बाहर ही रहने दूंगी। तो देखो, अभी हमारा ये 2 घंटा हो गया है। हमारा बाहर हम ज़्यादा उसको नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा ये कर्ड खट्टा हो जाएगा। इसके लिए अभी इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। ये पूरा बर्तन में फ्रिज में रखूँगी। हम इसके ऊपर ये वाला वेट नहीं रखेंगे, आप और कोई भी कुछ भी वेट रख सकते हो। मैं ये पानी वाला वेट निकाल लेती हूँ और उसके ऊपर और कुछ रख के मैं उसको अभी 6 से 7 घंटे के लिए मैं अभी ये पूरा बर्तन, ये जाली वाला और नीचे मैंने जो एक्स्ट्रा बर्तन रखा है पानी निकालने के लिए, वो सब मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। ये कर्ड के ऊपर भी मैं अभी फ्रिज में भी वेट रखूँगी, जिससे हमारा ये पानी अच्छी तरह से निकल के रेडी हो जाए। फ्रिज में रखने से हमारा ये कर्ड बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा और हमारा ये नॉर्मल जो हमको चाहिए वही रहेगा। तो देखो, मैंने ये कर्ड को फ्रिज में रख लिया है। अभी इसके ऊपर मैं वेट रख लेती हूँ। वेट में आप कुछ भी रख सकते हो। देखो, अभी हमारा ये 6 से 7 घंटा हो गया है। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, हमारा ये मस्का अच्छे से रेडी हो गया है। मस्के के नीचे हमारा ये ढेर सारा पानी निकला है। ये पानी को आप यूज़ कर सकते हो, आप फेंक नहीं सकते इसको। ये पानी को आप पनीर की सब्जी बनाने में या फिर कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने हो उसमें आप ये पानी का यूज़ कर सकते हो। तभी ये पानी को मैं साइड पे कर लेती हूँ। तो देखो, हमारा ये कितना अच्छा मस्का बन के रेडी हुआ है। हमारा ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी इसमें पानी, मस्के में पानी नहीं रहा है और हमारा अच्छे से मस्का रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर लेती हूँ। तो मैं इसमें ज़रूरियात के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके शुगर ऐड करती जाऊंगी और उसका मस्का और शुगर को मिक्स करती जाऊंगी।
वन बाउल शुगर ऐड हो जाने के बाद मैंने थोड़ा उसको मिक्स कर लिया है। वापस मैं इसमें दूसरा बाउल ऐड कर लेती हूँ शुगर। शुगर ऐड हो जाने के बाद मैं इसको वापस मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हम पाउडर शुगर ही ऐड करेंगे। पाउडर शुगर ऐड करने से हमारा ये शुगर अच्छे से जल्दी से पिघल जाएगा। हम पूरा शुगर आता है वो ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं। तो देखो अभी हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हम मस्का को ऐसे विस्क कर लेंगे, या फिर आप फेंट लेना भी बोल सकते हो। हम ये मस्का को ऐसे फेंटने से हमारा ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तब तक इसको हम फेंट लेंगे। ये मस्का को मैं 10 मिनट के लिए फेंट लूँगी। तो देखो अभी हमारा ये 10 मिनट हो गया है। तो अभी इसको मैं फेंट के हमारा रेडी हो गया है। अभी ये मस्का को मैं थोड़ा छान लूँगी। छानने से हमारा ये क्रीमी बेस में श्रीखंड रेडी होगा। तो ये मैंने ये बाउल ले लिया है। बाउल के ऊपर मैं ऐसी छलनी रख लेती हूँ। आप इसके ऊपर पतला वाला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप गेहूँ छानने की जो छलनी आती है उसमें भी आप कर सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मस्का लूँगी। और ये छलनी में थोड़ा थोड़ा करके मैं ये श्रीखंड हमारा ये मस्का को मैं थोड़ा छान लूँगी। ये छानने से हमारा बहुत ही बढ़िया क्रीमी बेस में श्रीखंड बन के रेडी होगा। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा मस्का लेती जाऊँगी और छलनी में उसको छानती जाऊँगी। तो देखो हमारा ये क्रीमी टेक्सचर में हमारा बहुत ही बढ़िया मस्का बन के रेडी हुआ है। अभी इसमें मैं फ्लेवर बना लेती हूँ। तो फ्लेवर में मैं 1 बाउल बादाम कुटी हुई ऐड कर लेती हूँ। ये बादाम को मैंने कट नहीं की है, इसको मैंने रफली कूट ली है। 1 बाउल कूटा हुआ पिस्ता, वो भी ऐड कर लिया मैंने। 1/4 टीस्पून जितना कार्डमम पाउडर ऐड कर लेती हूँ। 2 बूंद केवड़ा एसेंस ऐड कर लेती हूँ। ये एसेंस से हमारा ये श्रीखंड का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। फूड कलर ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो, लेकिन मैं इधर फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप इसमें ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इधर यूज़ नहीं करूँगी। अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखो हमारा ये कितना बढ़िया श्रीखंड बन के रेडी हुआ है। ये हमारा बादाम पिस्ता वाला फ्लेवर बन के बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ है। देखो आपको मैं दिखाती हूँ, हमारी कंसिस्टेंसी प्रॉपर जो होनी चाहिए श्रीखंड की, वैसी हमारी कंसिस्टेंसी बन के रेडी हुई है। हमारी बहुत ठीक भी नहीं, बहुत थिन भी नहीं, बहुत ही बढ़िया हमारा ये श्रीखंड बन के रेडी हुआ है। तो हमारा ये श्रीखंड अभी सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। तब इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने ये श्रीखंड का सर्व कर लिया है। अभी इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए 4 से 5 चॉकलेट चिप्स अप्लाई कर लेती हूँ। बच्चे को वैसे भी चॉकलेट बहुत ही पसंद आती है। और इसके ऊपर अभी ये कलरफुल में चॉकलेट की जो चिप्स आती है वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो देखो हमारा बहुत ही कलरफुल बढ़िया ये हमारा श्रीखंड बन के रेडी हुआ है। ये आप घर पे बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप ये मैंने जैसे बना के दिखाया है वैसे आप बनाओगे तो आप बाहर का भी श्रीखंड खाना भूल जाओगे। इतना अच्छा हमारा बढ़िया बन के रेडी हुआ है। तो आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।